बिहार के संग्रहालय में अतीत का मिलता है रहस्य। तीसरी शताब्दी के मुहर से लेकर दुर्लभ मूर्तियां आकर्षण का केंद्र। कलाकारी की अद्भुत निशानी लोगों को खींचती है अपनी ओर। म्यूजियम में दूर दूर से पहुंचते हैं शोधकर्ता। साल 1979 में हुआ था म्यूजियम का निर्माण। बिहार के मुजफ्फरपुर में रामचंद्र शाही संग्रहालय है। ये इतिहास प्रेमियों के लिए काफी खास है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। इस संग्रहालय को देखने के लिए कई शोधकर्ता भी आते हैं। यहाँ इतिहास के कई राज छिपे हुए हैं। इसे मिठनपुरा के जुब्बा सहनी पार्क के पास बनवाया गया। लोगों को यहाँ घूमने के लिए अधिक रुपए भी खर्च करने नहीं पड़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ लोगों को दुर्लभ मूर्तियां या मुहर छूने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ इसे देख सकते हैं। तीसरी शताब्दी के मुहर से लेकर दुर्लभ मूर्तियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। रामचंद्र शाही संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के बीच देखने योग्य है। संग्रहालय में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होती है। यहां लोगों को कई चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम के 8:30 बजे तक आम लोगों के बीच ये संग्रहालय खुला रहता है और यहाँ पर मौजूद कई दुर्लभ चीजें इतिहास का राज खोलती है। यहाँ तीसरी शताब्दी की मूर्ति इतिहास का रहस्य लोगों तक पहुँचाती है। इसकी कलाकारी भी काफी अद्भुत है। यहाँ कई शताब्दियों की पुरानी कलाकृति को देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर सिर्फ यहाँ की लीची के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ के म्यूजियम के लिए भी इसे जाना जाता है। जिन्हें भी इतिहास में रुचि है, जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, वो रामचंद्र शाही म्यूजियम को देखने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी के संरक्षित जैन महावीर बौद्ध स्तूप मुहर समेत अन्य कलाकृति स्थित है। खास मौकों पर यहाँ लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं। इस दौरान भीड़ भी अधिक हो जाती है। वहीं अगर आप जुब्बा सहनी पार्क पहुँच रहे हैं तो म्यूजियम में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। इसका कारण है कि पार्क के पास ही ये म्यूजियम का निर्माण किया गया है। जुब्बा सहनी पार्क इस क्षेत्र का एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ का वातावरण काफी शांत है और यहाँ के हरे भरे पेड़ और घास आकर्षण का केंद्र है। पार्क में मौजूद रंग बिरंगी लाइटें, फव्वारे लोगों को काफी आकर्षित करती है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। आपको बता दें कि वीकेंड के मौके पर यहाँ परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए ये पार्क एक अच्छा विकल्प है। जुब्बा सहनी के बारे में बता दें कि कई लोगों को जानकारी नहीं है कि वे कौन थे। इन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जुब्बा सहनी ने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा था। भारत की आजादी में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने साल 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान अपने प्राण दे दिए थे। इन्होंने अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिया था। इन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी। जुब्बा सहनी वो ख्याति नहीं प्राप्त कर सके जिसके वे हकदार थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में इनके नाम से पार्क का निर्माण किया गया और इसी के बगल में संग्रहालय का निर्माण किया गया है। आजादी की लड़ाई में जुब्बा सहनी का बलिदान काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एक अंग्रेज ने जुब्बा सहनी को जिंदा जला दिया था। इनकी शहादत से कई लोग आज भी अनजान हैं और इन्हें भुला देना आजादी की लड़ाई में वीर शहीद और क्रांतिकारियों का अपमान है। इनका बलिदान देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लोगों को इन्हें जानना चाहिए और इनके बारे में पता करना चाहिए, साथ ही पढ़ना भी चाहिए। इसी कड़ी में सरकार की ओर से भी कई तरह के पहल किए जा रहे हैं। इनके नाम पर पार्क का निर्माण किया गया है और पार्क के साथ ही यहाँ बगल में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है और जहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँचते हैं।